करते हैं कोटा की, जहां पर कोरोना संक्रमण के बीच कोचिंग छात्रों का उनके घर लौटने का दौर जारी है। पहले यूपी सरकार ने कोटा में 300 से अधिक बसें भेजी थी, जिनसे यहां कोचिंग कर रहे करीब 7000 स्टूडेंट्स अपने घर पहुंचे। तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए यहां कोचिंग कर रहे एमपी के स्टूडेंट्स को वापस ले जाने के लिए करीब 100 बसें कोटा भेजी है। इन बसों से मध्य प्रदेश अपने घर जाने वाले कोचिंग छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने ली पूरे मामले की जानकारी। कोटा शिक्षा नगरी में जो छात्र लॉकडाउन के बाद कोटा में फंसे हुए थे, उनके लिए सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने यहां पर 300 से अधिक बसें भेजी। इसके बाद में आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है कि मध्य प्रदेश के छात्र हैं जो लॉकडाउन के बाद में कोटा में फंसे हुए थे, कोटा से कोचिंग कर रहे थे, अब उन छात्रों को यहां पर भेजा जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन ने पूरी गाइडलाइन के अनुसार पूरा रूट तैयार किया है। साथ में आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, जो यहाँ पर पीपी किट के साथ लोग मौजूद हैं, डॉक्टर चिकित्सा कर्मी मौजूद हैं, पुलिस कर्मियों को आप तस्वीरों पे देख सकते हो। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ की मेडिकल टीम को भी यहाँ भेजा गया है। साथ में एक चीज और है, यहाँ पर सामने इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से पूरी एक लिस्ट बनाई जा रही है, और लिस्ट के अनुसार ही उन बच्चों को भेजा जा रहा है। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, उसमें बच्चों को भेजने का कार्य निरंतर जारी है। यहाँ पर जो बस कहाँ पे जाएगी उस पर साफ स्टिकर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये बस 12 नंबर की बस है, ये शिवपुरी जाएगी, और शिवपुरी के कौन से इलाके में ये पहुंचेगी ये पूरी जानकारी, जिससे छात्रों को समस्या का सामना ना करना पड़े। बच्चे किस तरह से यहाँ कोटा से जा रहे हैं, तो बच्चे किस तरह से अपना सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, मगर जिला प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी और सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो इनकी पीड़ा को समझते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा ये पुख्ता बंदोबस्त किया है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, एवन के लिए कोटा से।